वैसे स्टूडेंट जो खासकर एग्जाम मिले इस्लाम में 2024 में जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इससे पहले मैंने वीडियो के थ्रू आपको बताया था कि हो सकता है कि जामिया का एंट्रेंस टेस्ट पोस्टपोन्ड हो, और ऐसा ही हुआ भी है। आपको पहले गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICU, यानी कि 2024 में जो भी स्टूडेंट जामिया में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपको मालूम ही है कि जामिया का फॉर्म भी आया हुआ है और उसका फ़िल करने का लास्ट डेट जो है वो है 30 मार्च। अभी तक अगर आप नहीं फिल किए, फिल कर लिए, लेकिन जामिया ने फॉर्म फिल कराने के साथ साथ इन्होंने एंट्रेंस का डेट भी अनाउंस कर रखा था, जो कि मैंने वीडियोज़ के थ्रू आपको बताया भी था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जामिया ने कई सारे कोर्स का एंट्रेंस का जो डेट है पोस्टपोन्ड कर दिया है, और उन्होंने पोस्टपोन्ड करने के साथ साथ दूसरा डेट यानी अलग डेट निकाल चुका है। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा और सर्च कर लेना होगा JMICU। सर्च करने के बाद पहले इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, आने के बाद इस तरीके का आइकन दिखेगा, आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। रिसेंट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स आते हैं आपको इस वाले सेक्शन में स्क्रॉल हो रहा होता है। तो अभी देखिए बिल्कुल टॉप पे चलेंगे, देखिए इवन RCA का भी जो है डेट एक्सटेंड होगा, तो ये टॉप पे लिखा हुआ है, यानी कि जो पेपर एडमिशन टेस्ट शेड्यूल 24, 25, 26 यानी कि 24, 25, 26 मई को जो पेपर होने वाला था जामिया का, इलेक्शन की वजह से पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पे 26 मार्च आज का नोटिस है, इसमें क्या है, ड्यू टू अनाउंसमेंट ऑफ द डेट ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2024 बाय द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, द फॉलोइंग एंट्रेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी हैज़ बीन रीशेड्यूल एज पर द डिटेल मेंशन। जो डिटेल मेंशन है इसके अकॉर्डिंग डेट को क्या किया गया है, रीशेड्यूल किया गया है, मतलब चेंज कर दिया गया है। क्या अब देखिए इससे पहले मतलब 24, 25, 26 मई को इन सबका पेपर होना था, बट इसको एक्सटेंड करके जून लिखा गया है। जैसे MA इकोनॉमिक का जो है 9 जून का पेपर है, MA अप्लाइड साइकोलॉजी का 9 जून को पेपर अब होगा, डिप्लोमा का पेपर 24 को होना था 9 जून को अब होगा, MBA का पेपर जो है 9 जून को पेपर अब होगा, BEd का देखिए 10 जून को होगा, MA मतलब MA HRM कह लीजिए 10 जून को, MA अरबिक 10 जून को होगा, MSW 11 जून को होगा, MA इंग्लिश का भी है 11 जून को होगा, BSc एरोनॉटिक्स का भी 11 जून को पेपर होगा, और MCA का अगर बात करें तो 11 जून को ही, और MA History का, यानी टोटल 12 कोर्स ऐसे हैं जिनका जो पेपर है वो अब जून के मंथ में, वो भी इलेक्शन के बाद यानी जनरल इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद आपके पेपर होंगे, और हर एक पेपर का किस डे में पेपर होगा, टाइमिंग, वो सारा मेंशन है। तो जो स्टूडेंट इस बार 2024 में पेपर देने वाले, एक बार थोड़ा ढंग से देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए कि आपका ये इसमें से अगर आपका है तो एक बार एश्योर कर लीजिए और इसी हिसाब से अपना तैयारी करिए, और अगर सेंटर दिल्ली में डालते हैं तो उससे अपना टिकट भी देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप UP बिहार या अलग अलग स्टेट्स होंगे तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। ये है जामिया के 2024 के एंट्रेंस टेस्ट पोस्टपोन्ड होने का खबर। इसके अलावा जो स्टूडेंट अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, वो हालांकि कल इनका वेबसाइट थोड़ा सा उसमें इशू आ गया था, पर आप आएंगे आप तो देखिए आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो इस लिंक से होगा। जामिया के अंदर अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है 30 मार्च है, और इसमें UG PG BTech BR इन सब का इसी लिंक से होगा, इवन CUET वाले कैंडिडेट्स भी इसी लिंक से अप्लाई कर पाएंगे। बाकी अभी स्कूल का रिजल्ट एंट्रेंस के बाद ही होगा, जो भी होगा, पर अभी स्कूल को तो लेकर कोई पोस्टपोनमेंट का नोटिस नहीं है, बट यूनिवर्सिटी को लेकर पोस्टपोन्ड हुआ है तो आपको बता दिया गया है। इसके अलावा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।